हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम नाउन जेंडर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बचपन से ही हमें नाउन जेंडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो ग्रेड सिक्स के लिए है और हमने जो टॉपिक लिया है वो एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में से लिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नाउन जेंडर। बचपन से ही पढ़ रहे हैं बॉय, गर्ल, मदर, फादर, किंग, क्वीन, डॉग, बिच, पढ़ रहे हैं ना। तो यही वाला जो नंबर जेंडर होता है यही हमें नाउन जेंडर डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर के टाइप्स क्या होते हैं। तो जेंडर बेसिकली फोर टाइप का होता है। मैस्कुलाइन जेंडर, जिसमें हम मेल के बारे में डिस्कस करते हैं। फेमिनाइन जेंडर, जिसमें हम फीमेल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक कॉमन जेंडर होता है जो मेल फीमेल दोनों के लिए लगता है। एक लगता है न्यूट्रल जेंडर, जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अ नाउन दैट इज नॉट अ मेल इज नोन एज मैस्कुलाइन जेंडर, लाइक बॉय, मैन, ब्रदर, फादर, किंग, डॉग, एटसेट्रा एटसेट्रा। अ नाउन दैट डिनोट अ फीमेल, जो फीमेल को डिनोट करेगा, दैट्स कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, वोमेन, सिस्टर, मदर, क्वीन, बिच, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर फेमिनाइन जेंडर। तीसरा जेंडर कौन सा है? कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट कैन डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसमें, तो बेबी, चाहे वो मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, लड़की हो या लड़का हो, तो बेबी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड, कोई बच्चा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। पेरेंट, मम्मी पापा दोनों के लिए लगता है। टीचर, चाहे वो मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो। प्यूपिल, लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। पर्सन, डॉक्टर, प्लेयर, कज़न, फ्रेंड, नेबर, बर्ड, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन जेंडर में आते हैं। मेल फीमेल के लिए सेम वर्ड यूज़ होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और आता है हमारे पास न्यूट्रल जेंडर के बारे में। अ जेंडर दैट डिनोट नॉन लिविंग थिंग के बारे में जो शो करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। तो वर्ड न्यूट्रल का मतलब होता है नीदर मेल एंड नोर फीमेल, ना कोई मेल होगा ना कोई फीमेल होगा। दैट इज न्यूट्रल जेंडर, जो नॉन लिविंग के लिए कंसिडर होगा। जैसे अगर हम बात करें बुक, पेन, चेयर, कार, वुड, गोल्ड, स्कूल, ये सारे क्या है? न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया जेंडर जो होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन के बारे में, जैसे क्रू, फ्लॉक, क्लास, आर्मी, जो कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स को शो करते हैं कलेक्टिव नाउन, हमने नाउन वाली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर नहीं पता तो वहाँ से आप एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो क्लास क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, सॉरी। ऐसे आर्मी क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर। और सोल्जर्स क्या है? लिविंग थिंग्स है। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन्स जो होती हैं आर थॉट टू बी द न्यूट्रल जेंडर। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर ही बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। कलेक्टिव नाउन्स भी हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। ऑल्दो न्यूट्रल जेंडर हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बोलते हैं और कलेक्टिव नाउन्स में ये लिविंग थिंग्स का ग्रुप है, फिर भी हम इसे न्यूट्रल जेंडर ही पढ़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन आर थॉट टू बी न्यूट्रल जेंडर एंड द फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन ऑफ द नाउन्स। अब नाउन्स के हम क्या बनाएंगे? मैस्कुलाइन हमें मेंशन है और फेमिनाइन बनाएंगे, तो थ्री वेज है फेमिनाइन नाउन्स बनाने के लिए। फर्स्ट है ई डबल एस को ऐड करके, जैसे कि अगर हम बात करें हेयर, हेयरस, ठीक है, ये सम्राट ऐसा जो वर्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं हेयर, हेयरस। बैरन, जो नाई होता है, बार्बर, बैरनस। होस्ट, होस्टेस। लायन, लायनेस। प्रिस्ट, प्रिस्टेस। जो मीनिंग ना पता हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगी। समटाइम्स द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स मे हैव टू बी अल्टर्ड स्लाइटली आफ्टर रीडिंग द ईएस वर्ड, लगाते टाइम थोड़ी स्पेलिंग चेंज करना पड़ता है, उसको भी हम ध्यान से देखते हैं। डक, डच। एम्परर, एम्प्रेस। गोड, गोडेस्ट, ये देवता मतलब है इनका। हंटर, हंट्रेस्ट। मास्टर, मिस्ट्रेस। गवर्नर, गवर्नेस। प्रिंस, प्रिंसेस। टाइगर, टाइगरेस। वेटर, वेटरेस। आप इसे लिख के प्रैक्टिस करना ताकि आपकी स्पेलिंग एरर ना आए, स्पेलिंग्स अच्छे से दिख लेना, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें बाय यूजिंग द एंटायर डिफरेंट वर्ड लगा के भी हम क्या करते हैं? जेंडर चेंज करते हैं। जैसे बुल का काउ, कॉक हैन, कॉट फिली, डॉग, ये एल साइलेंट रहेगा, कॉट है, सी ओ एल टी कॉट है, एल नहीं बोलना इसमें, कॉल्ट नहीं बोलना, कॉट, कॉट फुली, डॉग, बिच, अर्ल, काउंटेस्ट, फॉक्स, विक्सन, गैंडर, गूस, जेंटलमैन, लेडी, हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, लॉर्ड, लेडी, मॉन्क, नन, नेफ्यू, नाइस, रैम, यू,
सर मैडम हैंग स्टैग हिंग एंड अंकल आंट. नेक्स्ट अगर हम बात करें, कहते हैं कि सी हाउ वी फॉर्म द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स दैट वर कंपाउंड वर्ड्स, की हम फेमिनाइन कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं. फिशर मैन, तो फिशर वुमैन हो जाएगा. ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो जाएगा. मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट. मिल्क मैन मिल्क मेड. स्टेप फादर स्टेप मदर. लैंड लोर्ड लैंड लेडी. पीकॉक पी हैन. ही गोट शी गोट. स्टेप सन स्टेप डॉटर. आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, तो एक बार इसे लर्न कर लेना. रिमेंबर द मैस्कुलिन एंड द फेमिनाइन ऑफ दीज नाउन्स. ब्राइड ग्रूम ब्राइट. हीरो हीरोइन. लेड लेस. मिस्टर मिस्ट्रेस. विडोअर विडो. ठीक है, इस तरह से बात करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहता है फॉलोइंग नाउन्स आर द कॉमन जेंडर हैं. कॉमन जेंडर में अगर हम बात करें तो ये आप ध्यान रख लेना, कॉमन जेंडर कौन कौन सी होती हैं. चाइल्ड पेरेंट रिपोर्टर कंपेनियन. कंपेनियन मतलब साथी. ठीक है, आपके साथ जो भी पढ़ता है वो भी कंपेनियन होता है आपका. पर्सन स्टूडेंट कजन प्लेयर टीचर फ्रेंड प्यूपिल ट्यूटर. ऑल दीज आर कॉमन जेंडर. ठीक है, तो कॉमन जेंडर में आते हैं. द फॉलोइंग वर्ड्स हैव गोन आउट ऑफ यूज. अब तीन वर्ड जैसे मैं आपको बता रही हूँ जो वर्ड अब यूज़ ही नहीं करते हम. कैसे वर्ड्स हैं ये, जैसे ऑथरेस राइटर वर्ड यूज़ करते हैं ना. ऑथरेस होता ना एक्ट्रेस होता. ठीक है, और ऑथर वर्ड यूज़ करते हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो आज के टाइम पे. पॉइट वर्ड यूज़ करते हैं, पॉइटिस्ट वर्ड नहीं चलता. नहीं तो अगर हम ऑथर की जगह आप ऑथरेस के लिए ऑथर नहीं लगाना चाहते तो राइटर वर्ड आता है आज. ठीक है, पॉइटिस्ट वर्ड भी नहीं लगाते, पॉइट वर्ड लगाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड्स हैं. बाकी आपके टीचर जो आपको सजेस्ट करे वैसे आप लिख लेना. ठीक है, द वर्ड ऑथर पॉइट एंड एक्टर आउट नाउ सपोज टू बी कॉमन जेंडर आ गया. ऑथर ही यूज़ होता है, पॉइट ही यूज़ होता है और एक्टर ही यूज़ होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता ये बात. ठीक है, इट इज़ नाउ कॉमन टू रेफर द पेट एनिमल एंड द डोमेस्टिक एनिमल्स. डॉग कैट काउ ऐसे ही बोलते हैं चाहे वो ही हो या शी हो. अब डॉग को डॉग ही बोलते हैं, कुत्ती को भी हम डॉग ही बोलते हैं, बिच नहीं बोलते हैं. कैट को कैट ही बोलते हैं. ठीक है, काओ को काओ ही बोलते हैं. ठीक है, बुल नहीं बोलते हैं. ठीक है, तो ये हम ही शी कोई भी हो तो हम उसके लिए यही वर्ड यूज़ करते हैं. ऐसे अगर हम बात करें किटी वॉज लिटिल अरुशु स्पैट. ठीक है, पैट कैट है किटी. ठीक है, अगर शी स्लैप्ड इन द सेम बेड एज अरुषि तो उसमें शी वर्ड आया लेकिन फिर भी हमने कैट वर्ड ही लगाया. तो ये क्या है, हमारा एक कॉमन जेंडर में जा रहा है. इसलिए एक्सरसाइज वन डिस्कस करते हैं. गिव द फेमिनाइन जेंडर ऑफ दीज नाउन्स. ओरल प्रैक्टिस के लिए है ये. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, वेटर वेटरेस मॉन्क नन. जो पीछे हमने डिस्कस किए उसी में से कुछ इसने टेस्ट वे में दे रखे थे. ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट करके दिए. स्टैग हिंक कॉक हैन कॉट फिली. पीछे ना फुली लिखा हुआ था वर्ड, एफ यू लिखा हुआ था, ये ठीक कर लेना. फुली नहीं आएगा, आई वाला, ये वाला ठीक है. फिली मास्टर मिस्ट्रेस अर्ल काउंटेस. मिल्क मैन मिल्क मेड. डक डच. ही बियर शी बियर. गैंडर गूस. गवर्नर गवर्नेस. ठीक है, एक्सरसाइज टू में कहता है गिव द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ दीज नाउन. मैस्कुलिन करना है तो उल्टा हो गया ना. मेयर हॉर्स काउंटेस्ट अर्ल विक्सन फॉक्स वाइफ हस्बैंड. शी गोट ही गोट. क्वीन किंग आंट अंकल मैडम सर. एक्सरसाइज थ्री में बात करते हैं. कहते हैं स्पीक आउट द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन फॉर ओरल प्रैक्टिस. फर्स्ट कहते हैं रिचार्ड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड टू हिज न्यू हाउस. तो रिचार्ड एक मैस्कुलिन जेंडर है. फ्रेंड जो है वो कॉमन जेंडर हो गया और हाउस इसका क्या हुआ, न्यूट्रल जेंडर हुआ. बिकॉज ये मेल है और ये जो है वो फीमेल मेल कोई भी हो तो फ्रेंड ही वर्ड यूज़ करते हैं और हाउस जो है वो नॉन लिविंग है दैट्स व्हाई इट्स न्यूट्रल. ऐसे ही वाइफ के लिए फेमिनाइन, हस्बैंड के लिए मैस्कुलाइन एंड टिकट्स एंड स्टेडियम के लिए न्यूट्रल. टीचर के लिए जो यहाँ पे क्योंकि मैंने फेमिनाइन वर्ड डाला, देखो टीचर के लिए मैंने आपको बताया था कॉमन जेंडर में आता है, बट टीचर के लिए मैंने यहाँ पे फेमिनाइन इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे हर आया है. टीचर हैज़ टेकन हर क्लास, तो हर की वजह से मुझे पता चल रहा है यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है. टीचर कोई फीमेल है. ऐसे क्लास और म्यूजियम यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर हो जाएंगे. जो प्लेयर है वो कॉमन जेंडर है बिकॉज ऐसा हर या हिज ऐसा कुछ वर्ड नहीं दे रखा है. मैच और इंजरी जो होगा यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर होगा. एक्सरसाइज फोर में क्या कहते हैं, री राइट दी सेंटेंसेज चेंजिंग द अंडरलाइन नाउन टू देयर अपोजिट जेंडर यूज करना है एंड मेक अदर चेंजेस वेयर इज नेसेसरी. जेंडर चेंज करने है इसमें. मिल्क मैन का क्या हो जाएगा, मिल्क मेड. Had only one cow. अब cow मैंने आपको बताया कि same word use होता है तो cow का cow ही रखा हमने. Left his की जगह क्या कर दिया, her shed. Duchess का कर दिया duck. Attended the king's life था तो यहाँ पे queen life कर दिया. Hunter की जगह हमने huntress किया. Spared the stag. Stag की जगह hing किया, hing's life.
मिस्टर खन्ना की जगह मिसेस खन्ना किया, टुक हिज ब्राइड मतलब हर करा, और ब्राइड की जगह ब्राइड ग्रूम किया टू द इटली फॉर द वैक्सीनेशन। तो यहीं पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। वॉच मोर एंड मोर वीडियो कंटेंट फॉर योर मोर लर्निंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्निंग ब्राइट्स टू गेट मोर एंड मोर यूजफुल कंटेंट। और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना ताकि सेम कंटेंट आप लर्न करो तो आपको आपस में सुनने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय। थैंक यू।